अभी होली भी आ रही है, इसलिए होली में हम चलने नहीं वाले हैं, स्टे करेंगे। होली के बाद ही हमारा सफर स्टार्ट होगा। अजीज दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि आप जहाँ भी रहे सादो आबाद रहे और खुश रहे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सना अंसारी के पैदल हज सफर को लेकर ही बात करने वाले हैं कि सना अंसारी इस वक्त में कहाँ पर मौजूद है, उनका सफर कैसा हो रहा है, सना अंसारी बुरी तरह फंस गई है या फिर उनका सफर आगे जारी रह सकता है या फिर सना अंसारी को वापस घर जाना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ में आपको बताने वाला हूँ कि सना अंसारी का सफर फंस गया है या वापस घर जाने वाली है और इस वक्त में कहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके कुछ समझ में आ पाएगा। अगर आप स्किप करके चले जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं कि सना अंसारी कौन है, कहाँ से चली थी और कहाँ जाने का इनका इरादा है और पैदल क्यों चल रही है ये अकेली। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देख करके आपके मन में जो सवाल आए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सना अंसारी इस वक्त में गुजरात के अंदर मौजूद है और उनका सफर कैसा चल रहा है, क्या वापस घर जाने वाली है या फिर बुरी तरह फंस गई है, क्या मामला पेश आया, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले सना अंसारी की ये वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने अपने सफर को लेकर भी बताया है और जो होली है उसको लेकर भी बताया है। पहले वो वीडियो सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अंकलेश्वर में आज़ाद रोलिंग शटर हवा महल सोसाइटी में रुके हुए हैं। हमने यहाँ पे स्टे किया है अभी और हम यहाँ पे अंकलेश्वर में 2-3 दिन स्टे करने वाले हैं, क्योंकि अभी होली भी आ रही है, इसलिए होली में हम चलने नहीं वाले हैं, स्टे करेंगे। होली के बाद ही हमारा सफ़र स्टार्ट होगा और मेरी तबीयत भी थोड़ी नासाज है। तो आप सब दुआ करिए हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमारा सफ़र आसान करे और इंशाल्लाह होली के बाद हमारा, होली के नेक्स्ट डे हमारा सफ़र स्टार्ट होगा भरूच के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि सना अंसारी बोल रही है कि हम अंकलेश्वर में आजाद रोलिंग शटर हवा महल सोसाइटी में रुके हुए हैं। हमने यहाँ पर स्टे किया है अभी और हम यहाँ पर अंकलेश्वर में 2 दिन तक स्टे करेंगे, क्योंकि अभी होली भी आ रही है, इसलिए होली में हम चलने नहीं वाले हैं, स्टे करेंगे। होली के बाद ही हमारा सफर स्टार्ट होगा और मेरी तबीयत भी थोड़ी नासाज है, तो आप सब दुआ करिए हमारे लिए। दोस्तों, आप लोग सना अंसारी के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। और बहुत से लोगों ने उनकी हौसला अफजाई भी की है और उन्हें हिम्मत दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सबकी सना अंसारी के बारे में क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।